जैसे कैंसर की बीमारी में स्टेजेस है, वैसे ही हार्ट की बीमारी में भी स्टेजेस है। स्टेज वन, ब्लॉकेज होना। ये ब्लॉकेज बाय बर्थ चालू होता है और 0 से लेकर 70% ब्लॉकेज तक आदमी को महसूस ही नहीं होता। और जब ये ब्लॉकेज फट जाए और अटैक आए तो वो है नंबर टू स्टेज, हार्ट अटैक, जो केवल 15% ब्लॉकेज वाले मरीज को ही होता है। और वही अटैक के बाद जब हार्ट के मसल्स डैमेज हो, डेथ हो, तो उसको बोलते हैं हार्ट फेलर। तीसरा स्टेज, ये स्टेज हार्ट की बीमारी का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देने वाला स्टेज है। इसमें रेगुलर फॉलोअप चाहिए, काफ़ी दवाई चलेगी और पानी और लाइफस्टाइल कंट्रोल करना पड़ेगा और एक्टिविटी आपकी काफ़ी लिमिटेड हो जाएगी। और ये स्टेज अगर कोई रिकवर करे तो दैट इज अ नंबर वन ट्रीटमेंट इन हार्ट डिजीज। अगर आपका हार्ट का पावर इम्प्रूव हो रहा है सो आपकी लाइफ की लॉन्जिटिविटी बढ़ेगी। सो ऐसे ही एक मरीज थे 75, मधुकर किंगे। अटैक के बाद हार्ट का पावर हुआ 15%। डॉक्टर ने बोला कि ये इम्प्रूव नहीं होगा। पूछा क्यों? क्योंकि जो बाईपास और स्टैंड डालते हैं वो केवल एक ही नली में फ्लो को बढ़ाएंगे। सो इसीलिए स्टैंड और बाईपास इनफ कैपेबल नहीं है हार्ट का पावर बढ़ाने के लिए। सो ये होल एरिया को सप्लाई बढ़ाने के लिए उन्होंने फाइंड किया ईसीपी, जो हार्ट की पूरी 360 डायमेंशनली ब्लड फ्लो बढ़ाता है। और विद इन 2 वीक्स जो उनका 15% पंपिंग था आया 35 से 40। आज वो 50 मिनट वॉक कर रहे हैं और कम से कम दवाई पे है। आज उनकी पीने का इंटेक बढ़ा, वॉकिंग कैपेसिटी बढ़ी। सो मस्ट चूज ईसीपी अगर आपके फैमिली में किसी को भी हार्ट के पावर की बीमारी है और दवाई से उनका इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। सो चूज ईसीपी फॉर हार्ट फेलर। मारो नाम मधुकर मुरारी किंगे छे, हरिनगर उद्नामा रोड। पहला सारवार पहला मारे तकलीफ थी, ब्लॉकेज आवेला पछी यहां सारवार लीधी, पछी ब्लॉकेज मा इको मारो 15 हतो, त्यारे सारवार पछी इको 35 रही गयो।